खाना अच्छे से जब आप चबा के खाएंगे तो आपकी बॉडी आपके दिमाग को सिग्नल भेज देगी कि अरे मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मेरा पेट तो किसी चीज से साफ नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन मुझे इतना परेशान करती है। घर का खाना खा लिया, सारे नियम पालन कर लिए। अरे माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, चलो आपको हकीम बाबा से चूर्ण दिला के लाती हूँ, पर आप मानो तब ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन चौहान, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले भी मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी खाने पीने के नियमों के बारे में, आपको बताया था कि अगर आप ये नियम फॉलो करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर रहेगी। जो ब्लोटेड बेली फैट होता है यानी पेट फूला ही रहता है, उसकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ में अगर आपका बेली फैट जाता ही नहीं है, आप एक्सरसाइज करके थक गए हैं, बहुत सारे काम आपने कर लिए अपने फैट को घटाने के लिए, लेकिन आपके पेट का फैट नहीं जाता है, तो वो नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो उससे आपका बेली फैट चला जाएगा। बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है जिनकी उम्र या तो ज़्यादा हो गई है या जो लोग मतलब कि पाचन शक्ति जिनकी वीक रहती है, तो उन लोगों का ये कहना है कि अरे मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है कभी दूर नहीं होती, हमारे पेट का फैट कभी जाता नहीं है और हमारा पेट हमेशा फूला फूला लगता है, अफारा आया रहता है। ये नियम भी हमने फॉलो कर लिए लेकिन कुछ काम नहीं करता है। तो जी हाँ, उनके लिए मैं सिर्फ तीन चीजें लेके आई हूँ, तीन नियम आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने वो नियम भी फॉलो कर लिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना कौन से नियम मैंने पहले आपको बताए थे। उसके बाद अगर उन नियमों के बाद भी आपको प्रॉब्लम है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, तो आज जो बताने वाली हूँ ये तीन इतने इंपॉर्टेंट नियम हैं कि अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो फ्रेंड्स मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, कैसी भी आपकी कब्ज हो, कितनी साल पुरानी हो, कितना भी पेट आपका फूला हुआ हो, अब नहीं ये प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। आप बिल्कुल आपकी पेट से रिलेटेड सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, गारंटी के साथ मैं आपको ये कहती हूँ। सबसे पहले नियम, सुबह उठते ही हम लोग घड़ी में टाइम देखते, 8 बज गए, खाने खाने का टाइम होगा, चलो जी कुछ ले आओ, ठीक है अच्छा ही ले आओ, फ्रूट्स ही ले आओ, लेकिन कुछ तो ले आओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप सुबह को उठते हैं उसके बाद अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, आपने पानी पिया, फ्रेश होने गए, ठीक है, उसके बाद आप कुछ काम कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप वॉकिंग करने जा सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को रिलैक्स देना है। तब तक रिलैक्स देना है जब तक आपके पेट में गुड़गुड़ नहीं होती, आपको भूख नहीं लगती। और भूख कैसे लगती है? भूख ऐसे नहीं लगती कि चलो फील हो रहा है, हम इस टाइम पहले खाना खाते थे तो अब भी खा लेंगे, वो भूख नहीं होती। भूख वो होती है कि जब आपको लगने लगे कि अब तो जूस भी आ जाए, चाहे सब्जियों का जूस दे दो, चाहे हमें सैलेड दे दो, चाहे हमें आप फ्रूट्स दे दो काट के, लेकिन ऐसा लगे कि हाय मुझे भूख लग रही है, मुंह में पानी आना चाहिए, वो भूख होती है। जब आपके पेट में गुड़गुड़ होती है तो इसका मतलब आपको भूख लगी है। आपके जब पेट है उसमें अम्ल का स्राव होने लगा है, मतलब खाना दो, आपका पेट मांग रहा है, तब आपको खाना खाना है। और जब आप सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके 2 घंटे बाद आपको अच्छे से भूख जरूर लगेगी, अगर आप पहले ही कुछ नहीं खाते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि सुबह उठते कुछ ना कुछ खाने पीने लगते हैं तो उनको भूख फील नहीं होती है, उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, घड़ी में टाइम नहीं देखना है, जब आपको भूख लगे, आपका पेट कहे, तब आपको खाना खाना है। तो सुबह का रूटीन ये हो गया। हम जब भी मतलब कि खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं, जैसे उसमें कई वैरायटी होती है, एक सैलेड हो गया, एक मीठा हो गया, मीठा भी कुछ लोग खाना पसंद करते हैं, मीठा उनके घर में बनता ही है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप मीठा ज़्यादातर अवॉइड किया करें, मीठा खाना कम बनाया करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में बना है, चावल भी बने हैं, रोटी भी बनी है, दाल भी बनी है, तो कौन सा खाना पहले खाना है? अक्सर हम ये गड़बड़ी करते हैं कि कोई खाना पहले खा लिया, जो पहले खाना चाहिए था वो खाना बाद में खाया, जो बाद में खाना चाहिए था वो पहले खा लिया, तो इस वजह से हमारा पेट अच्छे से उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से लंबे टाइम तक खाना पड़ा ही रहता है, सड़ता रहता है, लेकिन अच्छे से हमारा पेट साफ नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, कौन सा खाना पहले खाना है? देखिए, जितना भी कच्चा भोजन होता है जैसे कि सैलेड के रूप में, तो वो सारा खाना आप सबसे पहले खाइए। सबसे पहले आपको सैलेड को खत्म करना है, अच्छे से चबा चबा खाना। उसके बाद जो नमकीन और मीठा भोजन होता है, सबसे पहले आपको मीठा भोजन खाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मीठी चीजें बाद में खाते, जो कि गलत होता है, क्योंकि मीठी चीजें बहुत जल्दी से हमारे पेट में डाइजेस्ट होने के लिए आगे चलती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्लूकोज जो है सबसे जल्दी
हमारे ब्लड में घुलता है, तो इसलिए मीठा भोजन है वो जल्दी से डाइजेस्ट होता है नमकीन भोजन की अपेक्षा। तो आपको जो मीठा भोजन है उसको कम ही खाइए, लेकिन आप नमकीन से पहले खा लीजिए। अब बारी आती है चावल हो गए, रोटी हो गए, दाल हो गए या फिर छोले की सब्जी हो गए। देखिए, एक तो इस नियम का आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारा अन्न एक साथ नहीं खाना। अन्न का मतलब चावल भी अन्न हो गया, रोटी भी अन्न हो गया, छोले भी अन्न हो गया, दाल भी अन्न हो गया। तो किसी दो या एक अन्न को एक समय पे आपको अपने भोजन में खाना है। जैसे कि आप दाल खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी खाइए या सिर्फ चावल खाइए, वो भी बहुत थोड़े से, ठीक है। उसके साथ आप सैलेड या सब्जियों का यूज कर सकते हैं, ग्रीन सब्जी बना सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी, अगर दाल को आप ऐसे ही खा सकते हैं चम्मच के साथ और फिर उसके साथ आप सब्जी खाइए जो भी सब्जी बनी हुई है, रोटी को भी अवॉइड करिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन रोटी आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए रोटी या चावल में सिर्फ एक लें। अगर आप चावल या रोटी दोनों चीज ले रहे हैं तो सिर्फ पहले चावल खाएं, चावल जल्दी से डाइजेस्ट होते हैं, और उसके बाद आप रोटी खाएं। या फिर अगर आप छोले दाल दोनों चीजें तो किसी एक को खाएं, या तो छोले की सब्जी खाएं या फिर दाल को खाएं। दो तीन तरह के अन्न अगर एक साथ आप खाते हैं तो ये आपकी मतलब पेट के लिए बड़ा भारी हो जाता है डाइजेस्ट करना। तो इन नियमों का पालन करें। सिर्फ एक मीठी चीज ऐसी है जो कि भोजन के बाद खाई जा सकती है, वो है गुड़। अब तीसरा और लास्ट का नियम क्या है, अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन बहुत साल पुरानी है और बहुत ही ज्यादा मतलब कि हार्ड है कि कुछ भी आपने कर लिया वो आपका पेट साफ ही नहीं होता, तो एक ही कारण है कि अन्न की मात्रा आपके पेट में ज्यादा हो रही है। अन्न आप जल्दी समय पे खा लेते हैं, आपका पेट पचा नहीं पाता है, आपकी पाचन अग्नि कमजोर हो चुकी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है कि अन्न का सेवन दिन में सिर्फ एक बार करना है। जी हाँ, वो समय आप ही फिक्स करेंगे, जब आपको अच्छे से भूख लगती है या जब आपका काम का समय होता है। सुबह को तो नहीं आप अन्न लेंगे, क्योंकि सुबह तो हमारा जो बॉडी होती है वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, तो सुबह तो आपको फल लेने हैं या फिर सब्जियों का जूस लेना है, इस तरह का भोजन लेना है। या तो दोपहर में आप अन्न ले सकते हैं या फिर आप रात को अन्न ले सकते हैं। बाकी समय पे आप सब्जियों का सूप लेंगे या फिर कच्ची सब्जियां लेंगे सैलेड के रूप में, और या फिर फल कटे हुए। अगर रात को आप फल खाना चाहते हैं तो सिर्फ पपीते का सेवन करिए या फिर अनार खा सकते हैं, जैसे कि ठंडे फल होते हैं जो अत्यधिक ठंडे, जिनकी तासीर ठंडी होती है, जैसे केला हो गया, तो रात को आप केले का सेवन ना करें, वो आपकी पाचन शक्ति को थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, यानी पचाने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन तीन नियमों का अगर आप पालन कर लेते हैं तो कैसी भी परेशानी है, आपका पेट कितना भी फूला हुआ रहता है, पेट की चर्बी कैसी भी हो वो जा नहीं रही है लेकिन अब जाएगी, कॉन्स्टिपेशन कितनी भी बड़ी हो, कितनी साल पुरानी हो, अब हमेशा के लिए चली जाएगी। किसी चूर्ण की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दवाई की आपको जरूरत नहीं है, आपका पेट अच्छे से साफ होगा और एकदम फ्लैट हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।